कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी पाटनी मदनगंज किशनगढ़ राजस्थान। सम्यक ज्ञानाय स्वयंभुवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रिलोकमताय अनंत संसाय चक्रमर्दनाय अनंत ज्ञान दर्शन वीर सुखास्पदाय त्रिलोक शंकराय सद ज्ञानाय सद ब्रह्मणे बृहत् प्रणाम घाती कर्म शंकराय अधराय ओहाय श्रेष्ठ से सम शांति धाराय कत्रिनाम व्याधिं घिनन्तु श्री जनाभिषे के पूजना प्रसाद सर्व सेवका नाम सर्वदोष रोग शोक भय पीड़ा व नाश न भवतु। ओम नमो रते श्री कियान जन हिते जन आरोग्यार्थम संधि मकराना जन्म दिवसे शुभ अवसरे सर्व रोग मृत्यु विनाशनम सर्व फर्क शुद्र पुत्र विनाशनम सर्वारुष शांति कराय। ओम राम ह्रीम रूम रौम ह्रा अशिया उषा नम सर्विघ्न शांति पुष्टि स्वाहा कामम छंद बिंद ृगम दुष्टि मुष्टि छल छद दोषान चिनि चिनि बिनि बिनि दान अवीर नरनाथ सिने यगुनि के दोषान चिनि चिनि बिनि बिनि सर्वाष्ट कुली नाग जंद विस्मयान इपर सर्व स्थावर वंशन जम्मन सर्पादि कर दोषान चिनि चिनि बिनि सिंधाष्ट आपदादि कर दोषान पर सुति बिनि मानो चाटन द्वेजन वन वसिकन दोषान ओम ह्रीम अश्वभ्यम चक्र विक्रम सत्य जबर सौर शांति पूरे पूरे सर्व जीवानंदनम जनानंदनम भव्यानंदनम लोकनानंदनम गुरु 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 स्वाहा सुखम तुष लोकेश व्याधि विषम वर्तन अभि हम क्षेम आरोग्य हम स्वस्थ शांति रस्तु शुभमस्तु जयोस्तु नित्यम आरोग्यमस्तु तुष्टिरस्तु समृद्धिस्तु कल्याणमस्तु सुखमस्तु अभिवृद्धिरस्तु दीर्घायुरस्तु कुमारोदयानि सदा सन्तु सद्धर्म श्रीबलायुर आरोग्य ऐश्वर्याभिवृद्धिरस्तु। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ऐम रम स्याव सानाणु ओम शुभ शांति कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ऐम रम स्याव सानाणु ओम शुभ शांति कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीम विनीत जन्म दिवस स्वभाव से समस्त आर के परिवार तारा तारिका तारिका पाटनी समस्त परिवार आरोग्यार्थम आयुर्वल्लीलासम सकल सुखपुलद्रागत्वाद्रुपमुपने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 त्वा
करो तु शांति भगवजिनेन्द्र, करो तु शांति भगवजिनेन्द्र, करो तु शांति भगवजिनेन्द्र। चातुर मासिक शांति धारा तरो रजनी अनुराग प्रतीक्षा कालांकर मनसा आदिवीर जैन बुम्बई चले। ओम ह्रीम अष्टप्रातिहारी मध्य छत्रत्रयमस्थापयामि, ओम ह्रीम अष्टप्रातिहारी मध्य चौरद्वयमस्थापयामि, ओम ह्रीम विश्वादि वीरांते मुकुटवाले चले। मुकुट वाले भैया आ जाओ, चलिए आप ऊपर जाइए। मुकुट वाले भैया, मुकुट वाले भैया, भैया मुकुट वाले भैया आ जाइए। हेलो, मैंने गुरु जी के चरण पखारे धन भाग हमारे, मैंने गुरु जी के चरण पखारे
धन भाग हमारे जन्म जन्म के संचित पातक जन्म जन्म के संचित पातक तत्क्षण ही निर्वारे मैंने गुरु जी के चरण पखारे मैंने गुरु जी के चरण पखारे चरणाम्बुज स्पर्श करत ही चरणाम्बुज स्पर्श करत ही छाए हर्ष अपारे मैंने गुरु जी के चरण पखारे मैंने गुरु जी के चरण पखारे। खिलते हैं जहाँ फूल खिलते हैं वहाँ फूल जहाँ गुरुवर का गमन है दुर्भिक्ष भाग जाता खुशहाल चमन है पढ़ते हैं जहाँ चरण अमन ही अमन है मुनि पुंग सदा सागर जी महाराज को शतबार नमन है शतबार नमन है शतबार नमन है। हाँ जी बहनों जैसा कि जिस पल का हम बरसों से इंतजार करते हैं वह पल हम लोगों के बीच में आ चुका है और सच में बहुत खुशी होती है यहाँ पर कि जो हमें हमारे गुरु मिले हैं हम बहुत भाग्यशाली हैं कि हमें सुधा सागर जैसे गुरु हमें मिले हैं और हमें मार्गदर्शन देते हैं जिनको जिन्होंने हमें प्रभु से मिलने का मार्ग दिखाया है सच्चा ज्ञान दिखाते हैं अंधेरे में उड़ना भी सिखाते हैं। तो मैं दो लाइनें कह के सर्वप्रथम कलश स्थापना के लिए आमंत्रित करूंगी कि गुरु तेरे चरणों में प्यार मिलता है गुरु तेरे चरणों में प्यार मिलता है दिव्य ज्ञान का भंडार मिलता है मन से मिटता है ज्ञान का अंधेरा तुझसे ही उजालों का संसार मिलता है तुझसे ही उजालों का संसार मिलता है। चलते हैं कलश स्थापना की ओर। तारिका जी अरे बीच में मत आओ भाई किसका कलश स्थापना के लिए तारा जी पाटनी को मैं ससम्मान बुलाना चाहूंगी वह आए और कलश स्थापना करें। और हम आमंत्रित कर रहे हैं श्रीमती अमिता जी कटारिया अहमदाबाद से हमारे बीच पधारी हुई हैं और युवा शक्ति को कि वो आए और कलश स्थापना कर हमारे इस कार्यक्रम को आरंभ करें साथ ही श्रीमती सुशीला व्रति शाविका सुशीला जी पाटनी और शालिनी जी अहमदाबाद। कलश स्थापना के लिए हमारे अतिथि शीघ्रता से हमारे बीच आ रहे हैं और कलश स्थापना का कार्यक्रम हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती सुशीला जी डोंडिया कराएं कार्यक्रम संपन्न कराएं। ओम आते नमाते मूर्ति मेरु दक्षिण आगे भरत क्षेत्र हरि खंडे भारत देश मध्य प्रदेश से सागर भागवत तीर्थे राष्ट्रीय महिला दिवस मंगल कलश स्थापना करोमीति सात सात रंगों में खुद को मिला लीजिए भूल सिकवा शिकायत भुला लीजिए जब तक अतिथि कलश स्थापना कर रहे हैं तब तक हम सभी लोग जोरदार अनुमोदना करते हैं। ओम ह्रीं ह्रीं क्षीं हं सा मंगल भवतु मंगल कलश स्थापना करोमीति स्वाहा। आइए चलते हैं दीप प्रज्वलन की ओर और चित्र अनावरण की ओर और मैं आमंत्रित कर रही हूँ हमारे बीच पधारी श्रीमती हीरा देवी जी और श्रीमती सुधा जी गंगवाल गुवाहाटी को आप पधारे और चित्र अनावरण कर हमारे कार्यक्रम को गति दें। शब्दों की माला से आप सभी का स्वागत करते हैं और चित्र अनावरण से अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं श्रीमती हीरा देवी जी और सुधा जी गंगवाल गुवाहाटी। अच्छा और कलश स्थापना कर रही हैं हमारे बीच श्रीमती अमिता जी कटारिया और शालिनी जी जैन अहमदाबाद व्रति शाविका सुशीला जी पाटनी और राष्ट्रीय अध्यक्षा श्रीमती शीला जी रोड़िया से अनुरोध क्या पधारे कार्यक्रम को हेलो सभी मेरी बहनों से अनुरोध है सिर्फ राष्ट्रीय पदाधिकारियों को छोड़कर सभी लोग प्लीज नीचे चले जाएं मेरा सर्वज्ञ निवेदन आप सभी से।
और चित्र अनावरण के लिए मेरा आमंत्रण, पधारें श्रीमती हीरा देवी जी और सुधा जी गंगवाल गुवाहाटी से, शीघ्रता से पधारें। श्रीमती आशा रानी जी हमारे बीच पधारी इंदौर से, आप पधारे चित्र अनावरण के लिए। और व्रति शाविका सुशीला जी पाटनी, शीला जी डोड़िया से अनुरोध कि चित्र अनावरण कर कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। बड़े बाबा बड़े बड़ा है जिनका नाम, छोटे बाबा छोटे हैं जग में महान। ओए बड़े बाबा बड़े बड़ा है जिनका नाम, छोटे बाबा छोटे हैं जग में महान। इनके चरणों में आना आके माता झुकाना, इनके चरणों में आना आके माता झुकाना। बड़े बड़े दी संकट टलते, बड़े बड़े हो जाते काम। बड़े बाबा बड़े बड़ा है जिनका नाम, छोटे बाबा छोटे हैं जग में महान। बोलिए कुंडलपुर के बड़े बाबा की, बाबा की, कितनी अच्छी जयकार आप लगा रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे गिन्नार जी की टोक से उतर के आए हैं। आप लोग और नीचे पहुंच जाएं। बोलिए कुंडलपुर के छोटे बाबा आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, रिपीट नहीं करो। बोलिए परम पूज्य जगत पुज्य निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की जय, समस्त आचार्य संघ की जय। चित्र अनावरण के बाद हम चलते हैं दीप प्रज्वलन की ओर, और हम आमंत्रित कर रहे हैं दीप प्रज्वलन के लिए श्रीमती अमिता जी कटारिया एवं श्रीमती शालिनी जी अहमदाबाद से, कि वह आए और दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम संपन्न कराएं। साथ ही में सुशील हमारी आया दीपक लेके, दीपक का थाल हाथों में प्रभु संजोगे, मेरी हर भावना क्या बोले, सुन 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 प्रभु चरणों में आओ, मंगल दीप जलाओ। प्रभु चरणों में आओ, मंगल दीप जलाओ। और इन भावनाओं के साथ चलना है हमें, चलना है हमें अंधकार से प्रकाश की ओर, चलना है हमें अज्ञान से ज्ञान की ओर, चलना है हमें पृथ्वी से आकाश की ओर, चलना है हमें पदार्थ से सूक्ष्म की ओर, और चलना है हमें प्राणी से परमात्मा की ओर। इन्हीं सुंदर भावनाओं के साथ हमारे अतिथि दीप प्रज्वलित कर रहे हैं, और हम सभी बहनों से अनुरोध करते हैं कि क्या अंधकार से डरना, क्या अंधकार से डरना, आओ सूरज बन जाते हैं, धरती अंबर के तम सारे जिससे डरकर हटछट जाते हैं, एक नूर भय सुरवानी सा रोशन सा आलम हो जाए। आओ बहनों हम सब मिलकर एक झिलमिल दीप जलाते हैं, तालियों के साथ दीप जलाइए जोरदार तालियों के साथ। हमारे अतिथि दीप प्रज्वलित कर रहे हैं, आगम के इस दीप को जन जन तक पहुंचाने का यहाँ पर जो महिला सम्मेलन है उसमें किया जा रहा है, क्योंकि आप सब यहाँ आए हैं आज इस 29वें राष्ट्रीय महिला अधिवेशन में गुरु उपकार जो हमारे ऊपरोत्तर से सिंचित होने के लिए, क्योंकि आप सब जानते हैं कि यूं तो हर दिन नया दिन और हर शाम नई शाम होती है, पर किसी एक खास दिन का हम बेताबी से इंतजार करते हैं। जी हाँ बहनों, आज वही खास दिन है महिला सम्मेलन का, जब हम और आप सब मिलकर गुरु से, गुरु के जो हमारे ऊपर उपकार हम सबसे गुरु के आशीष से सिंचित होंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं दीप प्रज्वलन के बाद। और अब मैं शास्त्र मेहत के लिए आवाज दे रही हूँ, गुरु चरणों में हम शास्त्र मेहत समर्पण करेंगे। श्रीमती मंजू जी अजमेरा, ऋचा जी यदि आ गई हो तो शीघ्रता से आ जाएं। श्रीमती शीला जी डोंडिया, श्रीमती इंदुर जी गांधी, श्रीमती शालिनी जी, डिंपल जी, संगीता सौगानी, ममता गंगवाल धार, सभी लोग आए और महाराज श्री को जिनवाणी भेंट करेंगे। प्लीज शीघ्रता से करें। जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो, जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो, तम दुख मेट दो मरण दुख मेट दो, जिनवा मेट दो जन्म दुख मेट दो, जिनवाणी जग मैया जन्म दो। हाँ तो बहनों, जिनवाणी तो हमारे दुखों को
दूर करती ही है, परंतु मैं मेरा मानना है आज हम सभी लोग यहाँ आए हैं तो गुरु चरणों से बड़ा उपकार हमारे ऊपर किसी का नहीं है, क्योंकि गुरु ही हमारे दुखों का अंत बताएंगे और गुरु ही हमें सहारा देंगे और गुरु ही आगे चलना सिखाएंगे। तो चलते हैं, कोई जल्दी करें। देखिए कार्यक्रम हमें बहुत गति से, क्योंकि हमें तो हम सब लोग यहाँ तरसते हैं गुरु वाणी को, गुरु की देशना सुनने को, तो शीघ्रता से शास्त्र भेंट करें। गुरुवर जब मुस्कुराते हैं, गुरुवर जब मुस्कुराते हैं तो लगता है कि आकाश हंसता है। श्रीमती मंजू जी गोधा से अनुरोध कि आप भी पधारें, मंजू जी गोधा शास्त्र भेंट के लिए आप पधारें। गुरुवर जब आप मुस्कुराते हैं तो आकाश हंसता है, आंखों से आपके वात्सल्य बरसता है, अमृत से आपकी वाणी, अमृत से आपकी वाणी जिनवाणी लगती है। आशीष की ये छाया सबको शीतल करती है, आशीष की ये छाया सबको शीतल करती है। इन्हीं भावनाओं को लेकर शास्त्र गुरुदेव के कर कमलों में भेंट कर रही है हमारी बहने। हाँ जी, जब तक जिनवाणी माँ समर्पित कर रही है हमारी बहनें, और मैं आवाज लगा रही हूँ मंगला चरण के लिए, सागर की बहनें तैयार रहेंगी, सागर से जो भी बहनों का मंगला चरण है शीघ्रता से मंच पर आ जाएं। मेरा अनुरोध हमारे अतिथियों से कि जिनवाणी माता जी के कल कमलों में भी भेंट करें, क्योंकि महिलाओं का एक अच्छा खासा प्रतिनिधित्व हमारे बीच है। सभी महिलाओं की ओर से एक जिनवाणी माता जी को भी भेंट कर दें। शीला दीदी, शालिनी, ममता जी, जो भी आप माता जी को वो शास्त्र भेंट करें। ना झुकाने की अभिलाषा है, कुछ संबंध हृदय से जोड़े हैं, केवल उन्हें निभाने की अभिलाषा है, केवल उन्हें निभाने की अभिलाषा है। तो शीघ्रता से सभी बहनें मंगलाचरण के लिए, सागर की बहनें तैयार हैं, हम मंगलाचरण स्टार्ट करते हैं। जो नरों में श्रेष्ठ हो, जो नरों में श्रेष्ठ हो उसे नरेंद्र कहते हैं, जो देवों के देव हो उसे देवेंद्र कहते हैं, और जो नरेंद्र महेंद्र खगेंद्र से भी है पूजित उसे त्रिलोकी नाथ भगवान जिनेंद्र कहते हैं। तो आइए भगवान जिनेंद्र के समक्ष, गुरुदेव के समक्ष मंगलाचरण आरंभ कर अपने कार्यक्रम को गति देते हैं, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। पधारी हुई सभी बहनों का, अतिथियों का हम शब्दों से बहुत बहुत स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और इसी के बाद तैयार रहेंगी हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती शीला जी डोंडिया अध्यक्षीय उद्बोधन के लिए। प्लीज सीधा करें बहन। और बहुत ही सुंदर प्रस्तुति मंगलाचरण के द्वारा सागर संभाग की तरफ से। आइए, सभी बहनों से अनुरोध है जो खड़ी हैं पंडाल में खड़ी हुई है, सब व्यवस्थित रूप से बैठ जाएं। हम सब जानते हैं कि आप देश के कोने कोने से बता रही हैं और सबके अभी ट्रेन बस सब आई हैं, तो लेकिन सभी व्यवस्थित होकर बैठ जाएं और बस कुछ ही देर में हम अपने कार्यक्रम को गति देते हुए आपको वहां तक ले चलेंगे जिसके लिए आप सभी तरसते हैं पूरे साल गुरु की वाणी सुनने के लिए। लेकिन थोड़ी देर आप सभी लोग व्यवस्थित रूप से बैठ जाएं, शुरू कर रहे हैं मंगलाचरण सागर संभाग के द्वारा। जिनका कथन किसी श्लोक से कम नहीं, जिनका लेखन किसी दर्शन से कम नहीं, और जिनका जीवन किसी शास्त्र से कम नहीं। रोम रोम में जो पुरुषार्थ और परोपकार का सागर लिए, अंतर्यात्री महापुरुष आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज।
जय हो संयमी, जय हो जय हो संयमी, जय हो जय हो संयमी, जय हो जय हो संयमी, करते तुमको है नमन, जय हो जय हो संयमी, चांद तारे और जमीन, जय हो जय हो संयमी, चंद्रमा सा तेज है, सूर्य सा निखार है, हे पुण्य आत्मा नमन तुम्हें हजार है, देख के तेरी ही लगन हमारी तुम पे जा निसार है, निसार है, निसार है। सभी आज गुरुदेव को श्रद्धांजलि देना चाहते हैं, पर गुरुदेव के लिए क्या होगी सच्ची श्रद्धांजलि? पहनो सब खादी, पालो सब गाय, जीवन निर्माण की कला है प्रतिभा स्थली का अभिप्राय, पूर्णायु चल चरका है गुरुदेव की शान, हिंदी को अपना कर ही मिलेगी भारत को एक नई पहचान। सभी ने चरण तो छुए हैं, अब समय है आचरण छूने का। बनाएंगे गुरुवचन निभाएंगे, भारत को बनाएंगे गुरुवचन निभाएंगे, गुरु विद्या सागर के सपनों का भारत सजाएंगे, गुरु विद्या सागर के सपनों का भारत सजाएंगे, बनाएंगे 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 हम, भारत को बनाएंगे गुरुवचन निभाएंगे, भारत को बनाएंगे गुरुवचन निभाएंगे, गुरु विद्या सागर के सपनों का भारत सजाएंगे, गुरु विद्या सागर के सपनों का भारत सजाएंगे। बहुत सुंदर मंगलाचरण की प्रस्तुति। अब जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारतीय संस्कृति की एक परंपरा सदैव से रही है जिसमें अतिथियों को और है
सागर को नहीं भूलना। बहुत सुंदर प्रस्तुति, बहुत ही मनमोहक प्रस्तुति, सभी के लिए धन्यवाद बहुत बहुत। और चलते हैं कार्यक्रम को आगे की ओर। और अब बारी है स्वागत की, क्योंकि स्वागत हमारे संस्कृति, हमारे परंपरा में, संस्कारों में भी समाहित है। तो हम चलते हैं स्वागत की कड़ी की ओर। स्वागत 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 सुस्वागतम। और सबसे पहले मैं बुलाना चाहूंगी स्वागत की श्रृंखला में श्रीमती आशा रानी जी, जोरदार तालियों के साथ क्या गुरु चरणों में श्रीफल भेंट करें। सामने से चंदन नहीं मंगा पा रही हो रखा है। आशा रानी जी के लिए दो शब्द मैं भी कहना चाहूंगी। आप भारतवर्ष में ऐसी प्रथम महिला होगी जो सब जगह अपनी इच्छा से और ऐसे ऐसे दान देती है कि सोच नहीं सकते। और सरल स्वभावी आप आर्किटेक्ट भी है और ज्वेलरी का, डायमंड का काम भी आप करती हैं। आपकी इतनी अवस्था होने पर भी आप समाज के लिए हमेशा तत्पर रहती है। हम गौरवान्वित हैं आपका स्वागत और आपका सम्मान करने के लिए। और मैं बुलाना चाहूंगी स्वागत के लिए हमारी व्रती शाविका शिरोमणि संरक्षक शिरोमणि श्रीमती सुशीला जी पाटनी, जो हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा शीला जी डोड़िया के साथ कंधे से कंधा मिलाकर हमें आज जो ऊंचाई हासिल हुई है वो इन सब की देन है। तो आशा रानी जी का स्वागत करें, सम्मान करें। अतिथियों का हुआ है आगमन, अतिथियों का हुआ है आगमन, है चित प्रसन्न पुलकित ये मन, खुले हृदय से है अभिनंदन, खुले हृदय से है अभिनंदन, खुले हृदय से है अभिनंदन। ऐसी हस्ती, ऐसी शख्सियत का स्वागत सम्मान कर हम अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। श्रीमती आशा रानी जी, डिंपल जी आप स्वागत का उधर लिखे जाए। एक बार जोरदार तालियां आपके पास जितने दोनों हाथों की कमाल से मालामाल कर दीजिए हमारे अतिथि को। जोरदार तालियों के साथ आप लोग स्वागत करें। और दुपट्टा उड़ाकर, तिलक लगाकर, माला पहनाकर स्वागत कर रही हैं हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा शीला जी डोड़िया, महामंत्री इंदु जी गांधी और हमारी व्रती शाविका परम संरक्षक शिरोमणि सुशीला जी पाटनी। और आप सब लोग तालियों के साथ स्वागत करें, अभिनंदन करें श्रीमती आशा जी रानी का। स्वागत के इस क्रम में मैं बुलाना चाहूंगी श्रीमती अमिता जी कटारिया अहमदाबाद से, युवा शक्ति हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। एक बार श्रीफल गुरु के चरणों में भेंट करें, गुरु के चरणों में श्रीफल ले। और आ रही हैं गुरु चरणों में श्रीफल लेकर अमिता जी कटारिया। और उनके स्वागत और सम्मान के लिए मैं फिर से निवेदन करूंगी श्रीमती सुशीला जी पाटनी। अच्छा लगता है भाभी जी आप माँ बेटी का स्वागत करें, सम्मान करें। देखिए सुशीला भाभी जी का सम्मान हमने कई बार किया होगा, लेकिन आज उन लोगों का सम्मान सुशीला भाभी जी के हाथों से होगा जो समाज में नवाचार लेकर आ रहे हैं, समाज में कुछ ऐसा कर रहे हैं कि हम सब गर्व कर सके। तो आज गर्व होने की बात है अमिता जी के लिए। और स्वागत की श्रृंखला में ही मैं बुलाना चाहूंगी श्रीमती सुधा जी गुवाहाटी और श्रीमती हीरा जी। हीरा जी और सुधा जी गुवाहाटी से हमारे बीच पधारी, आप पधारे, हम आपका स्वागत करना चाहते हैं। पहले गुरु चरणों में श्रीफल भेंट करें। जोरदार तालियों से स्वागत और सम्मान। देखिए स्वागत हो रहा है अमिता जी कटारिया का, आप सभी लोग तालियों के साथ स्वागत करें। दूर वादियों में दूधिया बादल एक छतराज किया करते हैं, दिल में अनेकों हसरतें लिए, हम आपका स्वागत सम्मान करते हैं, हम आपका स्वागत सम्मान करते हैं। और आपका स्वागत और सम्मान करेंगी हमारी परम संरक्षक शिरोमणि व्रती शाविका सुशीला जी पाटनी, राष्ट्रीय अध्यक्षा शीला जी डोड़िया और राष्ट्रीय महामंत्री इंदु जी गांधी। और स्वागत की ही श्रृंखला में और स्वागत, आप लोगों की तालियां कम नहीं होनी चाहिए क्योंकि उम्मीदें दिल से निकाली नहीं जाती,
उम्मीदें दिल से निकाली नहीं जाती, नादान की एक हम ख्याली नहीं जाती, साथ आपका पाकर झूम रहे हैं हम खुशी में, खुशी इतनी है कि हमसे संभाली नहीं जाती। साथ ही सम्मान की श्रृंखला में मैं बुला रही हूँ श्रीमती शालिनी जी जैन अहमदाबाद से। और आप सभी लोग तालियों के साथ स्वागत करें, सम्मान करें। देखिए गुरु के समक्ष सम्मान होना बहुत बड़े गौरव की बात होती है, तो आप लोगों की तालियां अनुमोदना आपको भी इस मंच तक पहुंचाएगी, गुरु के समक्ष सम्मान तक पहुंचाएगी। तो आप सभी लोग हमारे जो अतिथियों का स्वागत हो रहा है, सम्मान हो रहा है, उसमें तालियों के साथ स्वागत करें, सम्मान करें। स्वागत हो रहा है हमारे अतिथि श्रीमती सुधा जी, गुवाहाटी से हमारे बीच पधारी हैं, उनका स्वागत और सम्मान कर रही हैं हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा शीला जी डोड़िया, व्रती शाविका, संरक्षक शिरोमणि सुशीला जी पाटनी, इंदू जी गांधी। आइए स्वागत की श्रृंखला में आगे बढ़ते हैं। श्रीमती शालिनी जी जैन अहमदाबाद से, श्रीमती शालिनी जी अहमदाबाद से। और इसके बाद स्वागत और श्रृंखला के बाद हम आगे बढ़ेंगे, और क्योंकि सब लोग जानते हैं कि आज स्वागत हम करना चाहते हैं हमारे बीच पधारी मुख्य वक्ता आज की डॉक्टर श्रीमती ममता जी जैन पूना से हमारे बीच पधारी हैं, हम उनका भी स्वागत और सम्मान करना चाहते हैं। आप पधारे, गुरु चरणों में पहले श्रीफल लेकर पहुंचे श्रीमती ममता जी। श्रीमती ममता जी जैन पुणे, और अमिता जी के बहुत भाव बन रहे हैं आज इस महिला सम्मेलन में कि मैं चार पंक्तियां गुरुदेव के समक्ष बोलूं। तो आइए अमिता जी, आपका स्वागत है। श्रीमती अमिता जी कटारिया। नमोस्तु महाराज जी, वंदामी माता जी, इच्छामी महाराज जी। जगत पूज्य आप है, करते सब पर उपकार, स्नेह की बूंद बरसाते, कर देते हैं दुख को अपार। इस भव का संवार दिया, दान की राह दिखा, संसार से कैसे पार पाना है हमें सरलता से सिखा। नित्य अभिषेक से पावन जीवन को महकाया, भक्तामर की महिमा से हर संकट को हराया। आचार्यों के वचनों से संसार की का हर राज हमें सिखाया, प्रेम से मिटा दिया हर काज। अज्ञानी हम थे पहले, ज्ञान से हमें नहलाया, आपने अपनी करुणा से जीवन दिया हमारा संवारा। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। हेलो, बहुत सुंदर पंक्तियां अमिता जी के द्वारा। सभी महिलाओं से अनुरोध है, प्लीज थोड़ा इस साइड आ जाइएगा सभी लोग। सभी महिलाओं से अनुरोध है, इस तरफ भी आ जाइए आप लोग। अमिता जी के लिए मैं बोलना चाहूंगी कि आपने अभी इसी वर्ष समर संकृति संस्थान सांगानेर संत सुधासागर आवासीय कन्या महाविद्यालय में 11 लाख की राशि से वहां की परम संरक्षक शिरोमणि बनने का सौभाग्य प्राप्त किया है। और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि अब हमारी समिति को संभालने के लिए हमारे पास युवा शक्ति सामने आई है। अभी तक तो भाभी जी हमारे साथ थे और हैं, लेकिन हम लोग सब जने अब ये शक्ति युवाओं को देना चाहेंगे ताकि ये आगे तक चलती रहे। तो अमिता जी हमारे साथ जब से जुड़ी है, और उनके साथ शालिनी जी भी वहां से अहमदाबाद से कर्मठ कार्यकर्ता के रूप में है, हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं और आशा करते हैं कि इस समिति को आप दिन दुनी रात चौगनी अपनी मेहनत से बढ़ाएंगे। और अभी आने वाली है
से पधारी हुई हमारी सब बहनों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और आशा रानी जी पांड्या जो इस अवस्था में भी हमारे एक फोन पर यहाँ पधारे हैं, विशेष रूप से उनका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। सुशीला जी भाभी जी तो कंधे से कंधा मिला के हमेशा तैयार है, उनका भी स्वागत करती हूँ। वो तो खुद ही स्वागत करने वाले हैं, परम संरक्षक शिरोमणि है, आज का कार्यक्रम उनकी देखरेख में हो रहा है। स्वागत की कड़ी में मैं सुधा जी गंगवाल जो गुवाहाटी से हमारे बीच पधारी है उनका भी बहुत बहुत अभिनंदन और उनकी पूरी टीम का, हीरा भाभी जी का, सबका स्वागत करती हूँ। आज हम नारी गौरव से जिन बहनों को हम आज दोपहर के सत्र में नवाजेंगे उन सबका भी मैं बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ। मंजू जी नागपुर से हमारे बीच पधारी है, ऋचा जी हमारी राष्ट्रीय पदाधिकारी है, सभी का और जो पुरुष लोग भी हमारे पदाधिकारी यहाँ पधारे हैं सभी का बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमारी जो वक्ता आज इस सत्र की वक्ता वो भी हमारी युवा शक्ति है, ममता जैन पूना से, डॉक्टर नीलम जैन की आप सुपत्री हैं। और आपको सबको पता है कि वो ऐसी विदुषी हैं और ये नीलम जी के साथ साथ ममता जी भी देश विदेश में धर्म के संरक्षण में अपना पूरा योगदान दे रही है। मैं नमन करती हूँ उनको और आमंत्रित करना चाहती हूँ कि वह आए और अपना वक्तव्य यहाँ देकर के इस सभा को प्रारंभ करें ताकि गुरुवार के जो हमको विशेष उद्बोधन लेने हैं उन्हें कटौती ना हो। और बहनों से मेरा निवेदन है कि आप इतनी दूर दूर से आई हैं, डिसिप्लिन का ध्यान रखें। आप इतनी बोलते रहेंगे तो आप यहाँ आकर के खाली हाथ ही चले जाएंगे, कुछ भी आपको हासिल नहीं होगा। जितनी भी बहनें आवाज सुन रही है उनका नेतृत्व करने वाली जो है उनको क्यू से बैठाएं, सब बहनों के सर ढके हुए होने चाहिए। ये मैंने आपको नोटिस में भी डाला था और आपको विशेष ध्यान रखना है। देव शास्त्र गुरु के सामने हम धार्मिक सभा में बैठे हैं, सबका पुनः यहाँ की कमेटी का बहुत बहुत अभिनंदन, क्योंकि आज का मंच हमारा है इसलिए उनका भी हम स्वागत करते हैं। यहाँ की महिला मंडल की महासमिति की जितनी सदस्य हैं उनका भी स्वागत करते हैं। और अब सीधे सीधे हम ममता जी को माइक सौंपते हैं कि वो अपना वक्तव्य प्रारंभ करें और सभा को आगे बढ़ाएं। बहुत धन्यवाद। बोले देवाधिदेव 1008 श्री पार्श्वनाथ भगवान की, संत शिरोमणि आचार्य प्रवर 108 श्री विद्यासागर जी गुरुदेव की, आचार्य प्रवर समय सागर जी गुरुदेव की, निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव 108 श्री सुधा सागर जी गुरुदेव की, समस्त मुनि संघ की। हमने अरिहंत नहीं देखे, हमने गुरुवर को देखा है, वाणी से जिन वाणी बरसे, गणधर भी इनमें देखा है, तप की ज्वाला में तप करके जो कुंदन जैसा चमक रहे, विश्व विंध्य गुरु सुधा सिंधु का आशीष शीश पर सदा रहे। नमन करती हूँ प्रभु महावीर के प्रतिबिंब, शब्दों के शिल्पकार, सिद्धांत पारगामी मुनि पुंगव 108 श्री सुधा सागर जी गुरुदेव को, अखिल भारतीय श्रमण संस्कृति महिला महासमिति एवं श्री दिगंबर जैन महिला महासमिति की राष्ट्रीय अध्यक्षा आदरणीय शीला डोडिया जी, समस्त राष्ट्रीय पदाधिकारी, हमारी श्राविका शिरोमणि आदरणीय सुशीला पाटनी जी, यहाँ अधिवेशन में उपस्थित सभी बहनें, चतुर्मास समिति के सभी पदाधिकारीगण, सभी को मेरा जय जिनेंद्र। हमने सुना था सागर सीपियों को जन्म देते हैं, लेकिन यहाँ तो भी सीपियां हैं जिन्होंने एक नहीं कई सागरों को जन्म दिया और हमारे गुरुदेव बना दिए हैं। मैं भाग्योदय की इस धरा को भी प्रणाम करती हूँ, क्योंकि गुरुदेव के चतुर्मास जहाँ जहाँ होते हैं हम महिलाओं के लिए तो वही धरा तीर्थ स्थल हो जाया करती है, उसी की माटी हमारे लिए चंदन हो जाया करती है। सच कहूं सही अर्थों में कोई महिलाओं के शिक्षा के लिए, संस्कार के लिए, शील के लिए, उत्थान के लिए कोई चिंतित है तो वह हमारे पूज्य गुरुदेव मुनि श्री सुधा सागर जी गुरुदेव। विगत 30 वर्षों में 30,000 से भी अधिक परिवारों में जिन्होंने जैन धर्म के चिराग जलवा दिए, मिथ्यात्व के अंधेरे को दूर कर सम्यक के सूरज से सबका साक्षात्कार करा दिया। आज यहाँ जितनी भी बहनें उपस्थित हैं, ये वो बहनें हैं जिन्होंने घर की देहरी कभी नहीं लांगी थी, घर की चार दीवारें जिनका संसार थी, आज वे अकेली सैकड़ों किलोमीटर की यात्रा कर
पर श्रवण संस्कृति का ध्वज थामे यहाँ बैठी है, यह इस महिला सम्मेलन की उपलब्धि है। इनके घरों में डीजे पार्टी नहीं होती, भक्तांबर दीपार्चना होती है। इनके घरों में प्री वेडिंग शूट और मेल कोरियोग्राफर नहीं आते, वे मंत्र भी दाते हैं जो चक्रवर्ती विवाह कराया करते हैं। ये बर्थडे नहीं बनाती, टेम्पल डे बनाती है, सौभाग्यवर्धनी क्रियाएं मनाया करती है। और मैं आप सबको बताऊं, क्योंकि मैं बहुत विदेश में रही हूं और बहुत विदेश आना जाना रहता है, केवल देश में नहीं गुरुदेव के विदेशों में भी लाखों भक्त हैं और विदेशी भी भक्त हैं। सभी ने गुरुदेव के आदेश को, उपदेश को हृदय में ऐसा रचाया बसाया है, वहां रहकर भी वे टेम्पल डे बनाते हैं, सौभाग्यवर्धनी क्रियाएं करते हैं, वहां पर भी वे भक्तांबर दीपार्चना किया करते हैं। देखिए, ये गुरुदेव की हम पर कृपा है कि गुरुदेव ने अतीत की गौरवशाली महिलाओं का केवल आदर्श ही हमारे सामने उपस्थित नहीं किया, बल्कि हम में उनको जीवंत करने का भी प्रयास किया है। अगर हमें पुराणों की राजरानियों को, सतियों को देखकर आश्चर्य होता है कि कैसे वो राजमहल में रहती थी और जंगल में चौके लगाती थी, कैसे वो राजभोगों में ना अटक कर संयम धारण करती थी, अगर आपको अतीत की उन महिलाओं को देखकर आश्चर्य होता है, तो वर्तमान में आदरणीय सुशीला पाटनी जी को देख लीजिए, जिनको देखकर हमें सारे पुराणों की सतियों का सहज स्मरण हो आया करता है। सच कहूं बहनों, जैन धर्म, जैन संस्कृति वो संस्कृति है जहां महिलाओं को सर्वाधिक सम्मान मिला है। चक्रवर्तियों के 14 रत्नों में एक रत्न स्त्री होता है, जिसके बिना वह चक्रवर्ती कहलाने का अधिकारी नहीं होता। जैन संस्कृति में हमें गर्व होना चाहिए कि जैन संस्कृति में सर्वप्रथम शिक्षा के लिए किसी को चुना गया तो वो महिलाओं को। स्वयं भगवान आदिनाथ ने अपने सानिध्य में हमें अंक विद्या सिखाई, अक्षर विद्या सिखाई। गुरुदेव की कृपा का तो हम क्या कहें कि गुरुदेव जानते हैं कि जैन महिलाएं सर्वाधिक आधुनिक और प्रगतिशील रही हैं। पुराने अतीत के उदाहरण देखें तो केकई जो रथ की तीली निकलने पर स्वयं वहां अपनी उंगली डाल देती है और रथ की बागडोर संभालकर सकुशल अपने पति को रण से वापस ले आती है। ब्राह्मी से बड़ा शिक्षित कौन होगा, सुंदरी से बड़ी गणितज्ञ कौन होगी, विशल्या से बड़ी डॉक्टर कौन होगी, जिसके शरीर के जल मात्र स्पर्श से सारे रोग दूर हो जाया करते थे। सुलोचना फर्स्ट मिलिट्री लेडी, क्या ये आधुनिक नहीं थी, क्या ये प्रगतिशील नहीं थी? यानी अतीत में भी महिलाएं प्रगतिशील थी, वे रथ चलाती थी, आज गाड़ी चलाती हैं, तब भी वे डॉक्टर थी, आज भी वे डॉक्टर हैं, तब भी इंजीनियर थी, आज भी इंजीनियर है। अंतर मात्र इतना है कि अतीत में महिलाओं ने शिक्षा के साथ शील और संस्कार को भी धारण किया था, संयम धारण कर वे अंत में समाधि मरण करती थी। लेकिन आज शिक्षा के बाद सारी स्थिति परिवर्तित है। शिक्षा के बाद महिलाओं ने सर्वप्रथम शील और संस्कार की चुनर को उतार फेंक दिया है और उसके बाद जो बुराइयां उनके जीवन में प्रवेश कर गई है उनका तो कहना ही क्या। आप सबको पता है आज की युवतियां ये सोशल जाल के मकड़ जाल में उलझ गई हैं। फेसबुक ने कितने फेस काले कर दिए, इंस्टाग्राम की इस रील में जीने वाली लड़कियां रियल लाइफ में नहीं जी पा रही हैं। सभी बुराइयां इनके जीवन में प्रवेश कर गई हैं। लेकिन यहाँ भी समाज को चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि गुरुदेव ने यहाँ भी हम पर कृपा की है। सांगानेर में चल रहे बालिका छात्रावास से सारी समाज के बीच एक नए आशाओं का कमल खिल रहा है। आदरणीय शीला डोडिया जी के मार्गदर्शन में एक नया सवेरा वहां उदित हो रहा है। भले ही अतीत में एक मैना, एक सुंदरी, एक चंद्रा रही होंगी, लेकिन यहाँ की तो सारी युवतियां ही मैना, सुंदरी, चंद्रा बनकर चमकेंगी और भारत के में जैन संस्कृति के गौरवशाली इतिहास का पृष्ठ लिखेंगी। गुरुदेव ने बालिकाओं को नहीं, हमें भी बहुत आधुनिक और प्रगतिशील बनाया है। गुरुदेव ने हमें भी किताबी शिक्षा के साथ धर्म ग्रंथ रटवा दिए हैं, दूरदर्शन के साथ देव दर्शन हमें सिखा दिए हैं, ट्रैवल प्लान में हमारे तीर्थ ऐड करा दिए हैं और होटल के इस एज में, पैक्ड फूड के इस युग में हमारी रसोइयों को चौका बना दिया है, अशुद्धि में शुद्धि रखना हमें सिखा दिया है। तो गुरुदेव के तो हम अनंत उपकारी रहेंगे। अंत में मैं गुरुदेव सिर्फ इतना ही कहूंगी कि यहाँ जो भी महिलाएं हैं निश्चित रूप से वे बहुत सौभाग्यशाली हैं, क्योंकि ऐसा भव्य सम्मेलन ऐसी भव्य व्यवस्थाओं के साथ पूरे भारत में कहीं नहीं होता, जहाँ गुरुदेव के ज्ञान का निर्झर झरझर झरता हो
और हम सबको केवल तृप्त ही नहीं करता हो बल्कि पूरे साल सक्रिय रखता हो, क्योंकि हर सम्मेलन में गुरुदेव हमें एक आदेश, एक संकल्प, एक मार्गदर्शन और एक दिशा निर्देश देते हैं जो पूरे साल भर हमें सक्रिय रखता है। अंत में गुरुदेव आपके चरणों में यही प्रार्थना है कि हम केवल अतीत को याद करके गर्वित ना हो बल्कि आप हमें आशीष दें कि हम वो गौरवशाली महिलाएं बने, वो आदर्श महिलाएं बने कि अतीत भी हम पर गर्व करे, भविष्य भी हम पर गर्व करे और वर्तमान पीढ़ी भी हम पर गर्व करे। इसी के साथ नमोस्तु गुरुवर, जय जिनेंद्र। बहुत बहुत एक बार जोरदार तालियां ममता जी के लिए। आप सब लोगों ने ममता जी को सुना, विदेश में रहकर भी कैसे देश में वो उन्होंने अपने दिल को बनाए रखा, कैसे विदेश में रहकर भी भारतीय संस्कृति, धर्म और परंपरा से जुड़ी रही, ऐसी नारी शक्ति के लिए जोरदार तालियां बनती है। और आप सभी लोग आए हैं जिसके लिए, क्योंकि सब कहते हैं कि गुरुदेव की एक मुस्कान से कई फूल खिल जाए, गुरुदेव की एक मुस्कान से कई फूल खिल जाएं, चरणों का गंधोदक मिलते ही सब तीर्थ मिल जाएं। स्वर्गों के बारे में कई बार हमने सुना है बहनों, गुरु के आशीष से जमी पर ही स्वर्ग मिल जाए, जमी पर ही स्वर्ग मिल जाए। तो आइए चलते हैं सीधी सीधी गुरु कृपा की, गुरुदेव से। गुरुदेव आप हम सभी को अपनी मंगल देशना से आशीर्वाद दें, आशीर्वचन दें, जिसके लिए हम सब दूर दूर से यहाँ पधारी हैं। नमस्ते गुरुवर। जय श्री ओम नमः शिवाय। पंच परमेष्ठी भगवान की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की, सृष्टि एक ऐसे विचित्र ढंग से अपना रंगारंग रूप लेकर के प्रस्तुत हुई है। दुनिया में कई चीजें ऐसी हैं जो समस्याएं हैं, समस्या बन के दिखती हैं दुनिया में, और कभी उन्हीं को देखते हैं जो समस्या है वही समस्या का समाधान भी पाता है। कितनी वस्तुएं हैं संसार में जो एक समस्या बन के रह जाती है, और वे समस्या के रूप में उत्पन्न होती है। कोई भी उनकी उत्पत्ति नहीं चाहता, कोई भी नहीं चाहता कि ये दुनिया में मैं इस चीज को प्राप्त करूं। दो प्रकार के पाप होते हैं, एक वह जो पाप है कल भी रहेगा, बीज भी पाप रूप है, वृक्ष भी पाप रूप है और फल भी पाप रूप है। ये एक वो व्यवस्था है सृष्टि की जिसका बीज तो पाप रूप है लेकिन फल पुण्य रूप है। बीज पाप रूप है, कोई भी उस बीज को नहीं चाहता, कोई भी बीज बनना नहीं चाहता, लेकिन उसका जो फल है वह पुण्य है, उसको कोई छोड़ना नहीं चाहता। बीज को कोई चाहता नहीं है और उस बीज पे लगे हुए फल को कोई छोड़ता नहीं है। ऐसी दुनिया में भी बीज और फल के संबंध है। हमने देखा कि फल चाहने वाला पहले बीज खोजता है कि मुझे बीज मिल जाए क्योंकि मुझे फल चाहिए। लेकिन कुछ ऐसी वनस्पतियां हैं जिनका बीज कोई नहीं चाहता, वो बीज खोजता भी नहीं है लेकिन फल
के प्रति उसका इतना अनुराग हो जाता है, फल के लिए वो मिटने को तैयार है। तो वे बीज और फल तो हमने बहुत देखे, जो बीज सारी दुनिया की चाहत है, सारी दुनिया उन बीजों को चाहती है, क्योंकि फल की चाहत। लेकिन आज अपन उस प्रसंग पे चर्चा करने बैठे हैं जिस बीज को कोई चाहता ही नहीं है, लेकिन फल मिल जाए तो उसको छोड़ता नहीं। हमारे यहां एक कर्म आता है, त्रियंश गति। त्रियंश गति में कोई नहीं जाना चाहता, कोई नहीं जाना चाहता, किसी को भेजना भी नहीं चाहता। लेकिन जब त्रियंश गति फल रूप में फलती है तो कोई त्रियंश मरना नहीं चाहता। गति पुण्य प्रकृति है, पाप प्रकृति है, और आयु पुण्य प्रकृति है। कोई से पूछो त्रियंश बनना है नहीं बनना, और जो त्रियंश बन गए उनसे पूछो मरना है, बोले नहीं मरना, कैसा बचत है। यानी त्रियंश बनने का जो बीज है वह त्रियंश गति है, तो गति रूपी बीज कोई भी दुनिया का व्यक्ति नहीं चाहता। लेकिन जो त्रियंश बन जाते हैं वे त्रियंश मरना नहीं चाहते। फल के प्रति इतना, इसलिए एक कर्म ऐसा है, एक ही कर्म है ऐसा बस पूरे 48 कर्मों में, कि जिसका बीज पाप रूप है उसका फल पुण्य रूप है। मनुष्य गति नहीं, ये तो पुण्य, दोनों पुण्य रूप है, गति भी और आयु भी। देवगति देवगति दोनों पुण्य रूप है, नरक गति नरक आयु दोनों पाप रूप है। लेकिन पुण्य गति हो यानी बीज हो और फल पुण्य का लगता हो, ऐसी एक समस्या वाली सृष्टि जहां बीज को कोई नहीं चाहता लेकिन फल लग जाए तो कोई मरना नहीं चाहता। ऐसी सृष्टि में एक और है जिसका हम सम्मेलन करते हैं। नारी एक समस्या है सृष्टि की, नारी एक, तुम लोग नहीं बोलोगे, अभी बोलवाऊंगा, थोड़ी देर बाद बोलोगे। नारी एक समस्या है सृष्टि की, और कोई नारी मर जाए, बन जाए तो नारी मरना नहीं चाहती, सारी दुनिया उस पर मर जाती है। नारी एक समस्या है, स्त्री भेद पाप प्रकृति है, अशुभ है, कोई भी स्त्री बनना नहीं चाहता। एक बीज है, लेकिन जब वह बीज कभी कहीं भी फल जाता है तो उसके लिए लोग, उसके लिए स्वयं नारी बहुत मूल्यवान समझे, अनमोल हो जाती है। स्त्री जाति एक समस्या है, लेकिन स्त्री बनना संसार का, संसार का सर्वोत्तम पुरस्कार है। स्त्री जाति एक समस्या है, लेकिन स्त्री बनना संसार का सबसे बड़ा पुरस्कार, संसार का सबसे बड़ा सम्माननीय पद है। स्त्री पद को जो इज्जत मिली है वो दुनिया में पुरुष को नहीं मिली, पुरुष ने वो इज्जत नहीं पाई जो स्त्री जाति ने पाई। लेकिन स्त्री जाति एक समस्या है, हमेशा स्त्री जाति की कोई प्रशंसा कहीं नहीं करता, स्त्री जाति की, स्त्री नाम की। स्त्री शब्द ही दुख से बना हुआ है, त्राण से बना हुआ है। कोई भी दुनिया में कहीं भी स्त्रियां भी स्त्री जाति की प्रशंसा नहीं करती हैं।
स्त्री नाम की प्रशंसा नहीं करती, लेकिन जब वो स्त्री बन जाती है तो उस स्त्री का जो रूप है वो इतना सम्माननीय है। एक छोटा से स्वरूप से हम तुम्हें समझाते हैं, कोई भी व्यक्ति बेटी नहीं चाहता। आज दुनिया में सबसे ज्यादा यदि मनुष्य जाति में किसी की हत्याएं हो रही हैं तो स्त्री जाति की। बेटी एक बीज है, बेटी एक बीज है जिसका जन्म होना किसी को अच्छा नहीं लगता। ऊपर से बातें करना अलग है, लेक्चर देना अलग है। मैं आपको शेयर करना चाहूंगा, आपके यहां किसी के यहां दो बेटे हैं तो क्या वो दुखी पाया गया? महाराज जी मेरे बहुत पाप कर्म का उदय है, आज तक नहीं आया मेरे पास कोई व्यक्ति कि महाराज पर मेरे घर में एक बेटी नहीं है। दो बेटे हैं, जितने घर में पुरुष हैं सबके यहां बेटे हैं। एक ने नहीं कहा महाराज हमने ऐसा कौन सा पाप किया है जो मेरे घर में बेटी नहीं। और ऐसे लोग कितने पाए गए हैं जिनके घर में दो बेटियां हैं, वे मेरे चरणों में रोते पाए गए, महाराज जी मैंने क्या पाप किया, एक बेटा नहीं है। और ये मैं पुरुष जाति की बात नहीं कर रहा हूं, स्त्री जाति की बात कर रहा हूं। जब स्त्री के यहां खुद गोदी में बेटी का जन्म लेती है उसको वह खुशी नहीं होती जो बेटे के जन्म पर होती है। तुम भली कितने ही छुपाओ मेरे से तुम छुप नहीं पाओगे, क्योंकि शास्त्रों में सारी चीजें लिखी हैं। सबसे ज्यादा नारी नारी के बद्दुआ देती है, सबसे ज्यादा स्त्री स्त्री को कभी नहीं चाहती। जिस नारी के बेटा होते हैं वो गर्व से चलती है, मैं दो बेटों की माँ हूं। और जिसकी बेटियां बेटियां होती हैं वो शर्म से चलती है, उसको भी शर्म आती है, शर्म आती है। समाज की क्या व्यवस्थाएं बन गई। पहली बेटी कौन बताओ, कौन दुनिया में है? मैं हाथ नहीं उठवाऊंगा क्योंकि पूछूंगा भी नहीं, बस जो मैं कह रहा हूं वो तुम जानी और हम जानी, तुम भी समझ जाना। शादी के बाद कितने परसेंट लोग चाहें कि पहली हमारे यहाँ बेटी हो या बेटा हो, वोटिंग करवा लो, पहला कौन चाहोगे? कितने परसेंट मान लो? इनसे नहीं पूछता, आपसे पूछता हूं, अपने मत बताओ पूरा परसेंट। कितने परसेंट चाहेंगे कि मेरे यहां प्रथम बेटा हो, कितने परसेंट चाहेंगे कि बिटिया हो? और कोई बचाएंगे नहीं, मैं तो आशा रानी से पूछ लूंगा। 99% कह दो, कुछ भी कह लो, कोई थोड़ा व्यवहारिकता के नाते, थोड़ा संस्कार के नाते, थोड़ा नारी जाति के व्यामोह के कारण से कह सकती है कि मैं बेटी चाहती हूं, लेकिन अंतर चेतना की गहराई में जब देखोगे तो वो भी कामना कर रही हो कि नहीं प्रथम बेटा हो। और दूसरी बेटी के लिए तो कल्पना का सवाल ही नहीं उठता। यदि सबसे पहले बेटी होने के बाद दुख होता है, बद्दुआ होता है दूसरी बेटी का मुंह देखने पर, दूसरी बेटी का कानों पर सुनने पर, खुशी का इजहार नहीं होता, खुशी का एक स्पंदन नहीं होता, एकदम स्पंदन नहीं होता। मैं कितनी भाग्यशाली हूं हमारे यहां दूसरी बेटी भी हो गई, एक स्वाभाविक बनावटी नहीं। बनावटी तो हंसी सब हंसते, हाँ नहीं कोई बात नहीं, क्या फर्क पड़ता है बेटा बिटिया में, ये सब नाटक करने की जरूरत नहीं। अंतर चेतना की बात है,
उसको एक अंदर से खुशी की नहीं होती, मेरे यहां दो जैसा दूसरा बेटा होने पर एकदम खुशी अंदर से उमड़ती है, ऐसा बेटी पर नहीं उमड़ती। क्यों? मैं अभी बताता हूं, इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, तुम अपने आप को दोषी नहीं मानना। मैं तो मात्र एक नेचर बता रहा हूं, नारी एक समस्या है दुनिया की, बहुत बड़ी समस्या है। और इस समस्या को एक बार मैंने कहा था, कहो तो मैं साधना कहूं करूं, किसी के यहां बेटी पैदा नहीं होगी। तुम यही चाहते हो ना, तो मैं तुम्हारा साथ देने को तैयार हूं, मेरी पहुंच थोड़ा ऊपर तक भी है, क्योंकि तुम बेटी से परेशान हो, बेटी से बहुत दुखी हो, बेटी तुम चाहते नहीं हो। क्यों ना अपन सुमन मिलकर के एक फरमान करें, भगवान संसार में किसी के यहां बेटियां पैदा ना हो। आज की सभा में प्रस्ताव पास करें, महिला सम्मेलन में है? कल्पना करो वो समाज कैसी होगी जिस समाज में बेटियों का जन्म नहीं होता होगा। स्त्री जाति को खत्म करो, एक समस्या है स्त्री जाति, स्त्री जाति समस्या है। क्यों ना ऐसा प्रयास किया जाए, मांग रखी जाए कि संसार में स्त्रियां होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि स्त्री, क्योंकि स्त्री समस्या है, नहीं कर सकोगे। मैंने पहले ही कहा, स्त्री बेटी एक बीज है, जो बेटी का जन्म उसे पुण्य रूप महसूस नहीं होता, पाप रूप उत्पन्न होता है, लेकिन बेटी का जो फल है जिसका नाम है बहू, जिसका नाम है पत्नी, वो हर व्यक्ति चाहता है। बेटी बीज है और बहू फल है। कौन नहीं चाहता कि मेरे घर में बहू आवे? नहीं आवे। स्त्री समस्या है, शुरुआत करो। हम अपने घर में आ किसी स्त्री को नहीं आने देंगे, हम बहू को नहीं आने देंगे, ये प्रस्ताव पास कर दो। नहीं हो सकता, स्त्री पाप रूप मानते हैं लोग और बहू को पुण्य रूप मानते हैं। बहू का घर में आना पुण्य है, पत्नी का मिलना पुण्य है, और पत्नी के बेटी होना पाप है। यही संसार का सबसे बड़ा पाप है, यही संसार की विडंबना है। पत्नी का मिलना पुण्य मानते हो या पाप? आप लोग बोलो, पाप मानते हो तो अभी यहां हाथ उठाता हूं, भगवान करे आज के बाद सागर में किसी बच्चे की शादी ना हो। क्यों? पुण्य रूप है, पत्नी का मिलना पाप है, और मेरे रहने के बाद मैं पाप में तुम्हें मुक्त कर दूंगा। और मैंने कभी भी कहा नहीं है, अभी तो पूछ रहा हूं, और कह दिया तो बेटा यही होगा। कौन व्यक्ति हाथ उठाना चाहता है जो ये चाहता है कि महाराज आज के बाद मेरे घर में किसी बेटे की पत्नी नहीं आवे, बहू नहीं आवे? कौन ये आशीर्वाद लेना चाहता है? पत्नी का आना पुण्य मानते हैं, भाग्य मानते हैं, सौभाग्य मानते हैं, और उसी पत्नी की बेटी हो जाए तो, और दो हो जाए तो दुर्भाग्य मानते। और सबसे ज्यादा कोसती है सासू, जैसे दो बेटी के बाद वह बहू अब बहू नहीं रही, डायन हो गई, उसकी उपेक्षा चालू हो गई, उसके प्रति टहना चालू हो गया, उसका ओनाहना चालू हो गया, लोग बुरी दृष्टि से देखने लगे, हीन भावना से। ये जो संसार की व्यवस्थाएं बन गई हैं, इस इतिहास के संबंध में, इन संस्कारों के संबंध में हमें विचार करना पड़ेगा। हालांकि विचार आज तक हो नहीं पाया, ये समस्या बहुत पहले से बनी रही। ये समस्या एक
मैंने शास्त्र में तो नहीं पढ़ा लेकिन सुना था, तीर्थंकरों के बेटियों का जन्म होना दोष माना गया, सुना था मैं, मैंने पढ़ा नहीं है शास्त्र में। मैंने तीर्थंकर के बेटी होना दोष माना गया और तीर्थंकर की शादी होना पुण्य माना गया। दो शादियां की ऋषभदेव ने, ये पाप का उदय नहीं है, दो बेटियां पैदा हुई तो ये अशुभ का उदय आ गया। कैसी है समाज है? ऋषभदेव ने दो शादियां की, वो पाप का उदय नहीं है, वो पाप कर्म नहीं है, उसी कोई निंदा शास्त्रों में नहीं है, कोई निंदा नहीं है शास्त्रों में कि देखो ये पंचम काल का कैसे तीर्थंकर कैसे धर्मात्मा है जो इनको विवाह करना पड़ा। मैं शास्त्र में पढ़ रहा हूं, पूरे शास्त्रों में कहीं नहीं लिखा कि तीर्थंकर की किसी निंदा की हो, देखो इन तीर्थंकर ने क्या पाप किया, कौन सा अशुभ कर्म किया था जो इनको शादी करना पड़े, कौन सा पाप कर्म, कहीं नहीं पड़ा। लेकिन ये सुनने में आया कि दो बेटियां हो गई तो बोले हुंडा सर्पणी का दोष है ना। उस समय से भी ये परंपराएं चलती आई। मैं सृष्टि के इस नियम के प्रति तुम्हें जागरूक करना चाहते हैं कि जब तक हमारी धारणा बीज को शुभ नहीं मानेगी तब तक बीज अशुभ बनता रहेगा, बेटियां मरती रहेंगी और बहू को सम्मान मिलता रहेगा। सम्मान क्या मिलेगा, रहेगा जितनी चाहत, ये व्यवहार होना चाहिए। गृहस्थी एक व्यवहार है, जब तक ये समाज ये नियम नहीं लेगी कि हम किसी के घर से बेटी को लाएंगे तो दूसरी शादी जब ही होगी जब हम किसी को बेटी दे देंगे, व्यवहार बन जाए। वह व्यक्ति की दुर्गति होती है जो दूसरे से व्यवहार तो ले लेता है, व्यवहार नहीं देने जाता है। आप लोगों का व्यवहार है भाई, हमें वहां जाना पड़ेगा, क्यों, बोले हमारा व्यवहार लगा हुआ है। अरे नहीं जाओगे तो, अरे नहीं, व्यवहार कभी खाया, सब डूब जाए, कर्जा डूब जाओ, कर्जा लेके भाग जाओ। मैंने जो आप लोगों की थिंकिंग देखी है, किसी का कर्जा है तो कोई तुम्हें कोई देने का इतनी चिंता नहीं है, कोई विकल्प नहीं, दे देंगे, नहीं देंगे तो ठीक है। यदि ऋण के साथ मर जाओ तो तुम्हें इतना दुख नहीं होता, तुम्हें यह भी दुख नहीं है कि मुझे मंदिर की बोली देना है, बोले नहीं देंगे, मर जाएंगे तो मर जाएंगे, मंदिर की बोली देना है इसकी तुम्हें कोई टेंशन नहीं है, साहूकार का ऋण देना है इसका कोई टेंशन नहीं है। टेंशन है जिससे हमारा व्यवहार लगा है, तो वहां व्यवहार देने तो जाना ही पड़ेगा। अब वो 100 रुपया का टेंशन है, व्यवहार लिफाफे में क्या रखते हो, क्योंकि मैं मेरे यहां 100 रुपया देके गया था, अब वो 100 रुपया देने के लिए 1000 का टिकट खरीद के जाएगा। भारत का नियम बता रहा हूं, 1000, बोले नहीं साहब वहां जाना ही पड़ेगा, भाई लिफाफों में क्या रख रहे हो, 100 रुपया। टिकट कितने का है, 1000 का, 1000 खर्च करके 100 रुपये का लिफाफा दे रहा है, मैं देख करके दंग रह गया, मामला क्या है। जब मैंने इसको खोजा, 1000 रुपया खर्च कर रहा है 100 रुपये के लिफाफे के लिए, जरूर इसमें चमत्कार है, जरूर इस 100 रुपये में ताकत है। 1000 रुपया खर्च हो जाए तो हो जाए, 1,00,000 रुपया खर्च हो गए तो हो जाए, लेकिन 100 रुपये का लिफाफा यदि व्यवहार लगा है और वो 100 रुपया नहीं दिया है तो बताते हैं जन्म जन्म तक उस व्यक्ति को दरिद्र का दर्शन करना पड़ता है, व्यवहार नहीं खा सकता। लोक नीति है, लोक नीति है कि व्यवहार कभी नहीं पचाना, जो वहां से आया है उसको कहीं ना कहीं मौका पड़ने पर चुकाना और उसको याद रखना पड़ता कि किसके यहां से क्या आया था। महिलाएं कितनी भुलक्कड़ हों लेकिन व्यवहार उनको याद रखता है,
भरी 10 साल निकल गए हो, 10 साल पहले वहां से कौन सी चिकट आई थी, कितने की आई थी, बराबर जा सकते हैं इनको, इनका ये बहुत बहुत बड़ा काम है, गॉड गिफ्ट है, ध्यान रखना, मैं बुरा नहीं कह रहा हूं। इनको ये पता नहीं है कितना कर्जा देना है, इनको ये पता नहीं किसके कितने पैसे लेना देना है, इससे भी फिक्र, तुम जानो तुम्हारा काम जाने, कोई मतलब नहीं। ये भी फिक्र नहीं करती कि किसको तुम्हें कहाँ कितना मंदिर में कितना देना है, तुम जानो तुम्हारा काम जाने, लेकिन इनको ये पता रखती हैं कि कहीं से व्यवहार आया था तो कितना आया था, क्यों 100 रुपये के लिए इतना क्यों, बहुत बड़ा रहस्य मानो। वो 100 रुपये तुमने यदि नहीं लौटाए और वहां चर्चा हो गई कि व्यवहार आया नहीं, बस ये तुम्हें बद्दुआ एक दिन इतना दर्द बना देगी कि तुम 100 रुपये लायक भी नहीं रहोगे। इसलिए रोक रूढ़ी बनाई कि व्यवहार नहीं छाना, व्यवहार देना है, व्यवहार देना पड़ेगा, विवाह भी एक व्यवहार है। आज एक महिला सम्मेलन पर मैं तुम्हें एक बहुत बड़ी गॉड गिफ्ट दे रहा हूं, बहुत बड़ी व्यवहार है ये तुम्हारा। आज प्रत्येक घर में एक नियम हो जाए कि हम किसी के घर की बेटी लाएंगे, मरने के पहले एक बेटी किसी के घर में भेजेंगे, इसको नहीं तोड़ेंगे, ये नियम नहीं टूटेगा, चाहे कुछ भी करना पड़े मुझे, गोद लेके करना पड़े, पर एक आएगी और एक जाएगी। यदि ये नियम लागू हो जाए तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये नारे हैं मात किताबों के, ये नियम लेना पड़ेगा कि घर में बेटी आएगी बहू आएगी तो घर से बेटी जाएगी, और ये नहीं हुआ तो आप अपने आप को पापी मानना, बहू दो दो आ गई बेटी एक भी नहीं आई, और आओ श्रीफल लेके रोते हुए, महाराज हमने कौन सा पाप किया है, मैं जन्म जन्म का पापी हूं, व्यवहार पर व्यवहार चढ़ता जा रहा है लेकिन व्यवहार चुकाने के लिए मेरे यहां बेटी नहीं है, इसको पाप मान लिया जाए। जो बेटियों के जन्म पर मानते हैं मेरे बेटा नहीं है, ये पाप है, मैंने क्या पाप किया कि मेरे एक भी बेटा नहीं है। मैं उल्टा कह रहा हूं, समस्या का समाधान हो जाएगा, मैं तुम्हारी व्यवस्था को डिस्टर्ब नहीं कर रहा हूं, मैं आपकी बात को ही समझा रहा हूं कि आप जिसके 2 बेटे हों और 2 बहू आ जाएं, बस बस ज्यादा परिवर्तन मत करो, इतने ही परिवर्तन कर लो, तुम संसार के सबसे बड़े पापी हो और तुम्हारा भविष्य पापमय होने वाला है। तुम्हारा भविष्य ऐसा होगा कि तुम पुरुष बनने लायक ही नहीं रहोगे, तुम्हारे घर में पुरुष जाति नहीं होगी, क्योंकि तुम्हारे ऊपर व्यवहार चढ़ा है एक भाव पहले का, तुम व्यवहार चढ़ा है, व्यवहार डकार गए हो, क्योंकि तुम बेटी तो लाए हो लेकिन बेटी दी नहीं है तुम्हारे कर्म ने, यह तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़े पाप कर्म का उदय है। यदि प्रत्येक घर में प्रत्येक समाज में ये मोटिवेशन चला जाए तो मैं कहता हूं नारियों का सम्मान होना शुरू हो जाएगा, भ्रूण हत्या खत्म हो जाएगी और नारी बराबर रूप में आ जाएगी, नारी होड़ लगा रही पुरुष की बराबरी करने की, नहीं हो पाऊ कभी नहीं कर पाओ, क्योंकि तुम एक समस्या हो, तुम्हारे लिए कोई चाहता नहीं है, तुम एक बीज हो जो पाप रूप है, हर व्यक्ति को तुम्हारा जन्म बुरा लगता है, हर व्यक्ति को तुम्हारे जन्म पर अपने आप को कोसता है, जिसका जन्म ही बुरा हो, जिसके जन्म पर खुशियां ना मनाई जाए, जिसके जन्म पर खुशी ना मनाई जाए, जन्म देने वाली माँ को खुश ना हो, खुशी ना हो, जन्म देने वाले पिता को खुशी ना हो, जन्म देने वाले कुल दीपिका को कुल कोई भी खुशी ना हो,
तुम्हारे समाज को खुशी ना हो, तुम्हारी जाति को खुशी ना हो, ऐसी पर्याय देश के लिए बहुत बड़ी समस्या है। समस्या किसे बोलते हैं? जिसको कोई चाहता नहीं। समस्या किसे बोलते हैं? आ जाए तो, आ जाए तो कर्म ठोक ले, इसी को तो समस्या बोलते हैं। आज कन्या के जन्म पर समस्या हो गई, कर्म ठोक रही है वो माँ। दूसरी हो गई, झूठ मत बोलना। तीसरी हो जाए तो फिर महाराज आप पूछे ही नहीं तो अच्छा है, सुसाइड कर लेंगे। एक माँ ने किया सुसाइड करने से, मैंने बचाया। कोई कारण नहीं था, सब कुछ उसके यहां था, सब कुछ घर में था। दो केस हमारे सामने आए, एक केस आए कि उसकी तीसरी बच्ची हो गई, उसने सेल्फ पास कर लिया, बच गई वो। लोग मेरे पास पकड़ के लाए, मैंने कहा बेटा क्या बात, कमी क्या है तेरे घर, बहुत अच्छा घर है, धर्मात्मा घर है, साधु संतों की कृपा भी है, सब भक्त लोग हैं, मैंने क्या बात। मां कोई कारण नहीं बताया, स्वर्गों जैसा सुख था घर में। मैंने कहा दुख किस बात का है, मैं परिवार को जानता था। बस ये तीसरी कन्या हो गई, तीसरी कन्या होने पर उस माँ ने सुसाइड करने का भाव किया। एक तीसरी कन्या होने पर सूत का ग्रह में से कोई भागता नहीं है, बच्ची को मार डाला उसने, पूरा मारना, बच गई वो। लेकिन उसने तो पूरा कार्य कर डाला, क्योंकि तीसरी बच्ची हो गई, माँ ने डायन बन गई वो अपनी बेटी की। एक सासू को देखा मैंने, तीसरी बच्ची होने पर उस बेटे से मिलकर के और पत्नी की हत्या करने की प्लान बनाया, इसको मार डालो, जैसे बने मारो, ये करने, ये हमारे कुल के लिए कलंक है। मैंने कलंक क्या है, सदाचारिणी है, शीलवती है, गुणवती है, परिवार के लिए हाथों पर रखती, कोई दुर्गुण नहीं, सब कुछ सही था, कहीं भी नहीं। मात कमी क्या थी, कमी क्या थी कि तीसरी बच्ची ने जन्म ले लिया, इतने मार से उनको मारने का। इन तीनों प्रसंगों में मैं खुद साक्षी हूं, मैंने इन तीनों जीवों को बचाया है और आज वो परिवार सुखी है। आज मैं सारे जगत को बचाना चाहता हूं। आज जिस प्रसंग के लिए हमें टॉपिक रखा गया, उस सारे जगत को कहना चाहता हूं कि सारा जगत वाला मेरी और कोई बात माने या नहीं माने, एक छोटा सा व्यवहार है 100 रुपए वाला, ज्यादा बड़ा नहीं है, कितना है, जैसा तुम 100 रुपए का व्यवहार चुकाने के लिए 1000 खर्च करते हो, बस यही व्यवहार तुम मान लो कि बेटी को लाना व्यवहार है तो बेटी को देना भी व्यवहार है। इसके लिए मुझे लाख नहीं, करोड़ नहीं, पूरी जिंदगी में कहीं भी चाहे मुझे विधान करना पड़े, चाहे मुझे गुरुओं का आशीर्वाद लेना पड़े, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, लेकिन मैं व्यवहार चुकाए बिना मरूंगा नहीं। व्यवहार चुकाए, या तो फिर नियम ले लो, हम व्यवहार बनाएंगे, हम व्यवहार बनाएंगे नहीं, ना हम बेटी लाएंगे या ना बहू, ना बहू लाएंगे और ना बहू भेजेंगे। हमारे आचार्य हम लोग सब क्यों झगड़े टंटे में पड़ते हो, ना लेना एक ना देना दो, ना व्यवहार बनाना ना व्यवहार लेना, नहीं देना नहीं, जीवन ऐसा व्यतीत करो। ना किसी से व्यवहार लाऊंगा, न किसी के घर की कोई वस्तु लाऊंगा और न किसी को हम कुछ देंगे, लेन देन अपने यहां नहीं है। लेकिन ये आपके बस की बात नहीं, बहुत कठिन, कठिन नहीं है, आपका मन नहीं,
आप व्यवहार खाना चाहते हैं, यही तुम्हारी दुर्गति का कारण है। इसलिए आज सारे भारत के लोग सुन रहे, इस गद्दी से फरमान जारी हो रहा है कि जो बहू ला चुके हैं अपने घर में, यदि उन्होंने बेटी किसी के घर में नहीं दी तो द्वारा तुम पुरुष बनने की उम्मीद मत करना। अब क्या बनोगे वो मुझसे नहीं बोल रहा हूं मैं, क्या बनोगे वो मुझसे नहीं बोल रहा, क्योंकि ऋण है ये तुम्हारा, क्योंकि व्यवहार तुम खाकर मरे हो, दरिद्रता निश्चित है। वो 100 रुपया तुम्हें अगले भाव में इतना दर्द बना देगा, इतना दर्द बना देगा, ना तुमसे कोई व्यवहार बनाएगा, फिर तुमसे कोई व्यवहार बनाएगा ही नहीं, क्योंकि तुम व्यवहार खा के मरे हो, तुमसे कोई व्यवहार नहीं बनाएगा। जैसे गरीब होते भिखारी होते, इनसे कोई व्यवहार नहीं बनाता। ये गरीब भिखारी कौन है, जो पूर्व भाव में व्यवहार लिया तो है, इन्होंने दिया नहीं है। ऐसी तुम्हारी दशा होगी कि तुमने व्यवहार लिया तो है बहू के रूप में, लेकिन व्यवहार दिया नहीं। आज हर घर में, पूरे भारत में, जो जहां जहां लाइफ में सुन रहे हैं, आज का एक ही फरमान, एक ही गुरु मंत्र, एक ही मोटिवेशन है, हर व्यक्ति को इस पर विचार करके अपनी मीटिंग करना है घर में। और सबसे अच्छा वही होगा, बहू बाद में आएगी, पहले बताओ बेटी है कि नहीं, कोई नहीं हो तो गोद लो, नहीं है तो गोद लो, और गोद नहीं ले सके हो तो कम से कम बहू लाते समय प्रायश्चित लो, नरियल लेके आओ, दो आंसू बहाओ, कर्म को ठोको, भगवान गुरुदेव मैंने क्या पाप किया है कि मेरा बेटी है, बेटा है, बहू लेके आ गया, लेकिन आज मैं जन्म जन्म का पापी, आज मेरा यहाँ बेटी नहीं है जो मैं किसी दूसरे के घर में दे करके अपना व्यवहार चुका सकूं। अशुभ मान लो, अब शगुन मान लो, बेटी का नहीं होना अब शगुन मान ले कि मेरा सबसे बड़ा अशुभ शगुन है। और ये संस्कार यदि सारे भारत में फैल गया तो बेटा और बेटी में कोई फर्क नजर नहीं आएगा, बेटा बेटी का कोई भेद नजर नहीं आएगा, बेटा बेटी के संबंध में कोई फर्क नजर नहीं आएगा। लोग जितने खुश बेटे के जन्म पर होते हैं, उतने ही खुश बेटी के जन्म पर होंगे, क्योंकि उनको लगता है व्यवहार चुकाने के लिए आ गया लक्ष्मी, व्यवहार चुकाने के लिए आ गई लक्ष्मी। और दूसरी तरफ जिनके दो बेटियां हैं महाराज, वो क्या करें, वे खुशियां मनाएं, वे खुशियां मनाएं। मैं भाग्यशाली हूं जो किसी से मेरा व्यवहार नहीं, मेरा व्यवहार दूसरे के ऊपर चढ़ेगा वो हमारा ऋणी हो जाएगा। जिनके दो बेटियां हैं, अधिक बेटियां हैं, वो है साहूकार, वो है साहूकार। और जिसको वो बेटियां घर में जाएंगी वो हो गया उसका ऋणी। अब वो मरेगा ब्याज चुका चुका के, 10 जन्म तक चुकाएगा तुम्हारा, क्योंकि तुम्हारे पास बेटियां थी, तुम साहूकार, बेटी वाला साहूकार है। साहूकार कैसे बोलते हैं, अपने धन को दूसरे की समस्या में दे देना साहूकारी। दूसरे को पैसे की जरूरत है, तुम्हारे पास है, उसको दे देना, यही तो साहूकारी है। उसके बदले में ब्याज ले लेना। तुमने अपनी बेटी दे दी तो तुम्हें मानना है मैं साहूकार हूं, और जिस घर में गई है ये मेरे ऋणी हो गए हैं, और ऋण जब चला गया तो चिंता मत करना, ये ब्याज चुका करके ही मरेगा, इस भाव में नहीं तो अगले भाव में, लेकिन उसको चुकाना पड़ेगा। ये संस्कार हमारी समाज में आज जीवित करना है, ये भावनाएं हमारी समाज में जो हमारे शास्त्रों के नीचे दबके रह गई हैं, हमारे वास्तु में दबके रह गई हैं। वास्तु सबसे बड़ा इसी का कारण बनता है। वास्तु यही कहती है, जिस वस्तु का तुमने उपयोग किया तुमने उसके लिए क्या दिया,
कोई वस्तु तुम्हारे संबंध में सोच रहा है, तुमने उसके संबंध में क्या सोचा? एक ऐसा मनोविज्ञान है जिस मनोविज्ञान की आज के युग में बहुत जरूरत है, बहुत जरूरत है। और यही स्थिति बनती जाएगी, बना लेंगे तो आज हमारी समाज की जो समस्याएं हो रही हैं, आज नारी असुरक्षित है, ये कारण उसका एक ही है कि हमारे जीवन में हम फल को अच्छा मान रहे। नारी का जन्म की जो बात कर रहा, मैंने अलवर में कहा था, तुम जन्म को बुरा मान रहे हो, और वही लड़की जवान होने के बाद जब बाजार में निकलती है ना, तो 80 साल का बुढ़ा भी यूं यूं करता है। अरे जब नारी जाति अच्छी है तो उसकी पैदाइश करो ना अच्छी। जिस फसल का बाजार में भाव होता है किसान उसको बोलो ना, जिस फसल का बाजार में मूल्य होता है किसान उस फसल को ज्यादा उगाता है कि नहीं? तो जब फसल की कीमत है संसार में, संसार में नारी की कीमत है, संसार में तुम उसको श्रेष्ठ मानते हो, उसके बिना जी नहीं सकते, उसके बिना तुम्हारी नियत ठीक हो नहीं सकती, तो इतनी फसल पैदा करो ना, इतनी फसल पैदा करो कि बाजार में वह फसल इतनी मार्केट में आ जाए कि उसका अपने आप डाउन हो जाए। इतनी फसल पैदा करो। आज जैन समाज में 1000 से 800 का बैलेंस हो गया। सबसे ज्यादा जैन समाज में नारी को, बीज को अशुभ माना जा रहा है। पूरे भारत की सारी जातियों का मैंने सर्वे पढ़ा, सबसे ज्यादा नारी का बीज, नारी का जन्म अशुभ यदि कोई मान रहा है सब जातियों में, तो उसका नाम है जैन जाति। सबसे ज्यादा दुर्भाग्य, सबसे ज्यादा अशुभ, सबसे ज्यादा कर्महीन, सबसे ज्यादा बुराई कन्या के जन्म पर, सबसे ज्यादा मातम, सबसे ज्यादा मातम। और ये तीन उदाहरण दिए मैंने, किसी अजैन के नहीं दिए, किसके दिए हैं? जैन के। अहिंसा परमो धर्म, जहां समय सार पढ़ते हैं, एक तो वो था, एक वो नारी थी जो समय सार का निरंतर स्वाध्याय करती थी। मैंने उससे कहा, समय सार में तो स्त्री पुरुष होते ही नहीं है, चेतन आत्मा होती है, चेतन आत्मा स्वरूप होती है, वहां कहां स्त्री कहां पुरुष, चेतन आत्मा है वो तो इन सब पर्यायों से ऊपर है। बोले महाराज, ये शास्त्रों की बातें हैं, हमें दुनिया में जीना है, दुनिया में जीना है। अरे जिस दुनिया में तुम्हें जीना है वो दुनिया तुम्हारी है, क्यों ना अपन दुनिया ही को पलट दें, क्यों ना अपन दुनिया को पलट दें। और दुनिया कोई चीज मनमान भाव नहीं है, सृष्टि कोई चीज नहीं है, हम अपनी दृष्टि बदल दो सृष्टि बदल जाएगी। मैं जो प्रवचन में दे रहा हूं, सृष्टि नहीं बदल रहा हूं, क्या बदल रहा हूं? दृष्टि बदल रहा हूं कि व्यवहार मान, दृष्टि बदल रहा हूं कि व्यवहार को खा के मरोगे तो दुर्गति जाओगे। बात दृष्टि बदलना है, सृष्टि तो ज्यों की त्यों है और दृष्टि हमारी है। यदि हम दृष्टि बदल देंगे तो सृष्टि का स्वरूप अपने आप बदल जाएगा। जन्मदिन पे आते हैं, कितने लोग मेरे पास आते बच्चों के जन्मदिन मनाने के लिए, आशीर्वाद लेके। बच्चियों को लेकर कोई माँ पिता नहीं आता, महाराज मेरी बेटी का जन्मदिन है। कभी आ भी जाएगा तो वो उल्लास नहीं रहता, वो उल्लास नहीं रहता, वो नहीं रहता। क्यों? इस स्थान पर नारियों को आगे आना पड़ेगा, नारी समाज को आना पड़ेगा। कल एक प्रश्न आया था, इस सम्मेलन की जरूरत क्या है? संगठन कमजोर लोगों को चाहिए। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री कंवर लाल जी, महावीर प्रसाद जी पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।